करती कि मेरे साथी को जल्द से जल्द लेकर आए। हमारे ताले से इतनी दुआ मांगते हैं, प्लीज मेरे साथी को जल्द से जल्द घर वापस ले आए। रो रो कर फरियाद करती ये बच्ची, भतीजी है उस्मानाबाद के रिहायशी मोहम्मद शाहिद की, जिसे 2 माह कबल टाकीवाड़ा से नामालूम अपराध ने अगवा कर लिया था। ईद पर जहां लोग नए कपड़े पहनकर खुशियां मनाने में मसरूफ थे, मोहम्मद शाहिद के अहले खाना अपने प्यारी की जुदाई में आंसू बहाते रहे। मकबी की अहलिया का कहना है कि शौहर के बगैर इनकी ईद गम से भरी हुई थी। ईद कैसी गुजरी यह नहीं पता, कैसे किस तरह शौक में मेरे बच्चे बोलते पापा कब आएंगे, पापा के साथ ईद का सूट लेके आना है हमें, कपड़े लेके आने। बाप की तस्वीर लिए बैठी ये बच्ची ईद पर घर से बाहर जाने के बजाय अपनी दादी से पूछती रही कि पापा कब घर आएंगे। बच्चियां दुआ करती हैं, रोज अल्लाह से फरियाद करती हैं, अल्लाह इस बरकत महीने की तो फेल मेरा बेटा आ जाए। मोहम्मद शाहिद के एमसी में मुलाजिम है और इसके अगवा का मुकदमा कलाकोट थाने में दर्ज है, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अगवा होने वाले मोहम्मद शाहिद के अहले खाना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरकार मोहम्मद चौधरी से रो रो के मुतालबा कर रहे हैं कि वो मोहम्मद शाहिद की बाजियाबी के लिए इकदाम करें। कैमरामैन इकबाल के साथ मोहम्मद अली हफीज समा।